नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसका संबंध विश्व से है, जिसे विश्व में बिल्कुल अजूबा कहा जाता है, अद्भुत कहा जाता है, और विश्व की जो धरोहर हैं उसमें उसका विशिष्ट स्थान है, वो है ताजमहल। लेकिन ये देश भी विचित्र है, जहाँ पर विवादों के नाते जुड़े रहते हैं। एक विवाद खत्म होगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा, फिर उसमें बहस शुरू हो जाएगी, लेकिन ये नहीं देखा जाएगा कि ये जो धरोहर है इसकी गरिमा क्या है, इसके पीछे आधार क्या है, इसका पीछे संदेश क्या है, इसके पीछे कौन सा मानवीय पक्ष छुपा हुआ है। लेकिन विवाद खड़ना और विवाद को एक नए नए स्वरूप में पैदा करना लगता है कि ये हमारी प्रकृति में आ गया है। इसीलिए ताजमहल, जिसे दुनिया में लोग जानते हैं और उसकी खूबसूरती को निहार करके अपने मन को आह्लादित करते हैं, प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या गजब का है अपने भारत देश में। लेकिन उसी भारत देश में ऐसी धरोहर को लेकर के विवाद खड़े हो गए हैं। पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ साफ वर्डिक्ट दिया, कहा कि केंद्र सरकार अगर ताजमहल का संरक्षण नहीं कर सकती है, केंद्र सरकार यदि ताजमहल को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है तो ताजमहल को बंद कर देना चाहिए। इतना ही नहीं रुके सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज, बल्कि यह तक कह दिया कि इसे ढा देना चाहिए। कितनी सख्त टिप्पणी है, और इस सख्त टिप्पणी से भारतवासियों को विचलित होना स्वाभाविक है। कैसा ये देश है जहां पर हम अपने धरोहर का संरक्षण नहीं कर सकते, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। एक समय था जब ताजमहल को सर्वमान्य शक्ति प्रदान थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इस देश को कि हम ऐसी धरोहर पर भी राजनीति करने लगे हैं, और एक आवाज़ उठी, ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है। और तेजो महल के पीछे कहा गया कि ताजमहल के पीछे और उसकी पृष्ठभूमि में और उसकी आधार में, उसकी धुरी में शिव का वास है। वहाँ पर शिवलिंग है जिसकी लोग पूजा करते थे, और पूजा करते करते वहाँ पर जब मुगलों का शासन आया तो वहाँ पर ये ताजमहल खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी बयान देते रहे हैं, लेकिन जब स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताजमहल के सफाई अभियान में पहुँचे तो लोगों को था कि मुख्यमंत्री को टिप्पणी करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि उनके सामने बराबर जय जय श्री राम के नारे लगाए जाते रहे। क्या हो गया है इस देश को? कब ये देश एक नया संदेश पूरे विश्व को देगा? और क्या हम अपनी धरोहर का ऐसे ही अपमान करते रहेंगे? धरोहर कोई भी हो, धरोहर हमारी है, भारतीय है, और उसको संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने का हमारा दायित्व है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं कन्नौज, और कन्नौज की सुनते हैं आवाज। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है विदेशी पर्यटक आते हैं और उनको लेकर, क्योंकि ये विश्व का सातवां अजूबा माना जाता है, इस वजह से इसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताजमहल राष्ट्र की धरोहर है। विश्व में जो सात अजूबे हैं उनमें ताजमहल एक है, और उसके प्रति सरकार सचेत है, सरकार उदासीन नहीं है। क्या ताजमहल को बंद कर देना चाहिए? ताजमहल राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर है और राष्ट्रीय धरोहर भी है, उसको बंद नहीं करना चाहिए। क्या ताजमहल को तेजो महल कहना सही है? ताजमहल को जिन लोगों ने तेजो महल कहा है वो गलत है।
क्या ताजमहल को लेकर खड़े खड़े किए जा रहे हैं? ताजमहल राष्ट्रीय धरोहर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार, और इसके पे बखेड़ा न खड़ा किया जाए तो ठीक रहेगा। राजनीति हर चीज़ में नहीं होनी चाहिए। उदासीन है और अभी अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है इसके मामले में, और ताजमहल की सुरक्षा के मामले में ये बिल्कुल उदासीन है। क्या नहीं बंद क्यों कर देना चाहिए? ताजमहल तो एक इंडिया की धरोहर है और ये विश्व में जाना जाता है ताजमहल भारत में। क्या ताजमहल क्या सही है? नहीं ऐसा नहीं, ताजमहल पर कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को, और ताजमहल है वो रहना चाहिए। कन्नौज ये कतई नहीं सुनना चाहता है कि ताजमहल को बंद कर दिया जाए या ताजमहल को ढा दिया जाए। कन्नौज इस बात को सुनने को कतई तैयार नहीं है। कन्नौज कह रहा है हर बात में राजनीति करना शोभा नहीं देता है, हर विषय को राजनीति में उछालना ये अच्छी बात नहीं है, और ताजमहल को तेजो महल भी नहीं कहना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। जो लोग तेजो महल कहते हैं वो गलत है, ताजमहल को केवल ये मानना चाहिए विश्व का सातवां अजूबा, राष्ट्रीय धरोहर। सिर्फ इसी निगाह से इसको देखना चाहिए और ये प्रयास होने चाहिए, लगातार प्रयास होने चाहिए कि कैसे ताजमहल को संरक्षण प्रदान किया जाए, कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे उसके सौंदर्य को बचाए रखा जाए, कैसे उसके वैभव में और चार चांद लगा दिए जाए, कैसे उसके आकर्षक और बनाया जाए, कैसे उसका स्वरूप और मोहनी हो जाए, और उसमें और क्या क्या खिले जिससे हमारा मन और प्रफुल्लित हो, आह्लादित हो उसे देख करके। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है और हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती हैं तो ये निश्चित माना जाना चाहिए कि हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, वह पूरी तरीके से ऐसी धरोहरों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन है। बड़ा संकोच होता है कहने में, योगी सरकार ने जब अपनी पर्यटन की पुस्तिका निकाली उसमें ताजमहल का कोई स्थान ही नहीं था, लोग अचंभित हो गए, उसी समय विवाद खड़ा हुआ, लेकिन बाद में उसको सुधारा गया। लेकिन ये दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, ये तो किसी की सरकार की नियत पर संदेह पैदा करता है, सवाल पैदा करता है, तो ऐसा होना कतई गलत है। लेकिन जनता इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अभी आपने कन्नौज की बात सुनी, आइए चलते हैं हम किसी एक अन्य जिले की भी आवाज सुनते हैं, वहां से क्या ध्वनित होता है। मेरी सुरक्षा के लेकर सरकार बिल्कुल उदासीन है। जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फटकार लगाई है उस हिसाब से पता चलता है कि वाकई में ये बहुत ही सरकार उदासीन है। बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी देश की बहुत ही धरोहर है, सातवां अजूबा है, जहाँ यहाँ पे मतलब काफ़ी जगह के विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और हम सभी लोग घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं। जानकारी नहीं, लेकिन सरकार को सुरक्षा करनी चाहिए ताजमहल की। नहीं बंद तो नहीं होना चाहिए, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और सातवां अजूबा भी है, इसको तो जितनी सुविधा देनी चाहिए और ज़्यादा सुविधा जो आम आदमी को आराम हो जाए देखने को। हम लोग भी देखने जाते हैं, विदेशी भी पर्यटक आते हैं। नहीं ताजमहल अच्छा लगता कहने में। सही है गलत है? बखेड़ा होना ही नहीं चाहिए उसमें तो, वो तो आम आदमी जाता है अच्छा लगता है, वहाँ एक दिन का समय निकल आता देखने के लिए, आदमी को अच्छा लगता है जाने में। फर्रुखाबाद का कहना है कि ताजमहल को लेकर के बखेड़ा खड़ा करना बिल्कुल गलत है, ये आमजन की धरोहर है, आमजन इसे देखने जाता है और विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण का मुख्य बिंदु है। कहते हैं कि ताजमहल वो जगह है
जहां दिन आप आराम से गुजार सकते हैं, आम जन के लिए एक बहुत ही आनंददायी स्थल है जहां पर उसे सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और इसी आधार पर उसके कदम समृद्धि की ओर भी बढ़ते हैं। लेकिन उसकी सुरक्षा न हो, उसके संरक्षा न हो और सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाए, ये बड़ा ही अजब और गजब प्रतीत होता है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे कहीं और जिले में जहाँ पर आपको सुनाई देगी जनता की नई नई आवाज। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को समुंदर बनाया है, हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है, खुद ही को आजमाया है, तुझे अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। के दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? जेएमडी पर, केवल जेएमडी पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ताजमहल की, जिसकी कहानी प्रेम से एक अटूट संबंध रखती है। जब लोगों से बात कीजिए तो ताजमहल के निर्माता, उसकी पत्नी के बारे में नाना प्रकार की कहानियां कहने लगते हैं और ये भी कहते हैं अरे भाई वो ऐसा था, फिर वैसी थी और फिर उनकी तीसरी पत्नी थी। अरे सवाल ये नहीं है, सवाल केवल ये है कि वो भव्यता देखिए, भव्यता देखिए, वो जो प्रेम का प्रतीक है उसे देखिए। आज जरूरत है ऐसे। हमारे यहाँ एक नहीं, जगह जगह अनेक धरोहर हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ साहित्यकारों का तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। आपको मैं बताऊँ, बिल्कुल यही कानपुर से बिल्कुल पास में एक जिला है रायबरेली, और रायबरेली जिले के थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत बड़े साहित्यकार थे, पत्रकार भी थे। कानपुर में बैठ करके उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था और विराट व्यक्तित्व था उनका, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। और आचार्य महावीर प्रसाद के प्रेम की पराकाष्ठा देखिए
कि उन्होंने अपने घर के बाहर अपनी पत्नी का मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में अपनी पत्नी की प्रतिमा स्थापित कराई थी, लेकिन आज वहाँ पर सब खंडहर सा पड़ा हुआ है। ज़रूरत है कि ऐसे जगहों को संरक्षण प्राप्त किया जाए। हमारा प्रताप प्रेस कानपुर में है, जहाँ पर बिल्कुल उसकी इमारत भी ध्वस्त हो रही है। हम लोग बड़ा यशोगान करते हैं, विद्यार्थी जी प्रताप प्रताप, लेकिन सब मिट रहा है। विदेशों में साहित्यकारों के स्थलों को तीर्थ के रूप में माना जाता है और लोग उन्हें देखने जाते हैं, उनको संरक्षण मिलता है। हमारे देश में ये सब कुछ नहीं होता है। हमारे देश में अगर कुछ होता है तो विवाद होता है, विवाद पैदा कर दिया जाता। कहो ये कहने शुरू कर दे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अच्छा कहा है, अपनी पत्नी का मंदिर बनवा दिया, इसी पर कहो विवाद शुरू कर दे। यहीं पर विवाद शुरू कर दे कि ये मकान फलाने ट्रस्ट का था, ठिकाने ट्रस्ट का था, कहिए इसी पर विवाद शुरू कर दे। तो विवाद शुरू करना हमारे आता है, लेकिन निर्माण करना नहीं आता है, सृजन करना नहीं आता है, संघर्ष करना नहीं आता है, ये हमारे यहाँ नहीं आता है। हमारे यहाँ केवल निगेटिव नकारात्मक पक्ष को तुरंत हम लोग ले लेते हैं। आइए हम चलते हैं फतेहपुर और फतेहपुर की भी आवाज़ सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि ताजमहल के रख रखाव और सफाई की व्यवस्था के बारे में निर्देशित किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए केंद्र सरकार को। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने पूरे भारतवर्ष में स्वच्छता अभियान चला रखा है और वहीं पर जो अपने देश की धरोहर है, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। मैं स्वयं ताजमहल देखने गया, ताजमहल के बगल में जमुना जी हैं जो कि अति प्रदूषित हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार को ताजमहल की रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार। ताजमहल हमारे देश की एक धरोहर है, महत्वपूर्ण धरोहर है। इससे विश्व में हमारे देश का नाम होता है। पर्यटक ताजमहल को देखने आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है केंद्र सरकार को पालन करना चाहिए, ये अच्छा सुझाव है सुप्रीम कोर्ट का। और केंद्र सरकार से भी हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अच्छा सा पालन किया जाए, क्योंकि ये हमारी एक विश्व धरोहर के रूप में जानी जाती है और इससे हमारा पर्यटन के माध्यम से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए हमारे देश में आता भी है और इसका नाम लगभग विश्व के हर देश में ताजमहल का नाम है। राष्ट्रीय धरोहर ही नहीं है, विश्व धरोहर। और ताजमहल से हमारे भारतवर्ष की, यहाँ भारतवर्ष की हमारी पुरानी सनातन धर्म की परंपरा है और जो भारतीय परंपरा है सर्वधर्म सर्वभाव, उसका वो एक प्रतीक है। और ताजमहल पर राजनीति, किसी पार्टी को, किसी नेता को ताजमहल पर राजनीति नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारत सरकार को, प्रदेश सरकार को, सभी दलों के लोगों को ताजमहल की रक्षा करने में आगे आना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ताजमहल के ऊपर कहा है वो वास्तविकता ही बिल्कुल सही कहा है और उसकी हम लोगों को सुरक्षा भी करनी चाहिए और उसकी देखरेख भी करनी चाहिए और हमको आगे उसके लिए जो विदेश से लोग भी आते हैं उसको देखने के लिए, वो हम लोगों का, हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का ही एक प्रतीक है और उसकी वास्तविकता में सुरक्षा करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। और फतेहपुर ने कहा कि ताजमहल एक धरोहर ही नहीं है बल्कि ये सद्भाव का प्रतीक है, बंधुत्व का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और प्रतीक है अपनत्व का, आत्मीयता का। तो जिसका ये प्रतीक है उसके बारे में हम नाना प्रकार के बखेड़े खड़े करें, ये तो कतई उचित नहीं है। हम आइए चलते हैं कानपुर और कानपुर की भी आवाज़ आपको सुनाते हैं।
नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि अगर उसका नाम तेजो महल किया जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत हो रही, आपत्त क्या है? अगर ऐसा है तो हो जाना चाहिए, उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है। और हमारी समझ से उसे बंद करना तो ठीक नहीं है, चूँकि वो धरोहर है अपने देश की और एक अपनी पहचान है, इसलिए बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका नाम जरूर कर देना चाहिए, उस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और हमारी तो मंशा ये है कि उसका नाम हो जाए, और होना भी चाहिए। ये कतई होना नहीं चाहिए, ये तो एक जो हमारी धरोहर है, इसमें ये सब बीचों में पता नहीं राजनीति में कौन लोग ऐसा फंसा देते हैं कि हर मामले जो उचित होते हैं उनको भी राजनीति में लाकर अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए लोग जो करने लगते हैं, वो हमारी समझ से गलत है। जो चीज़ सही है उसे होने दें, उस पर ये चीज़ें मत पैदा करें कि हिंदू और मुस्लिम, ये हमें नहीं लगता है। वहाँ पर सभी लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, इसलिए उसका नाम केवल अगर चेंज हो रहा है तो नाम रखें, जो नाम ओरिजिनल है उसका अगर वही किया जा रहा है तो उसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम ताजमहल है ही नहीं, इसका नाम शुद्ध तेजोमय महल भगवान शिवालय है नीचे गर्भगृह में, जो आज तक नहीं खोला गया। सुप्रीम कोर्ट इसकी ऑर्डर क्यों नहीं करता है कि नीचे गर्भगृह खोला जाए, उसमें भगवान शंकर का शिवालय है। और देश में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनके मुसलमान कट्टरपंथियों ने उनके नाम मुसलमान शब्दों पर रखे हुए हैं, उन सबके नाम परिवर्तन किए जाएँ। जैसे फैजाबाद का साकेत है तो साकेत नाम रखा गया मुख्यमंत्री जी ने किया, ऐसे मुख्यमंत्री जी को चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि इनके नाम तत्काल परिवर्तन कर दें, तेजोमय महल ही रखा जाए, प्राचीन नाम है। है तो ऐसे धरोहर तो है देश की, लेकिन हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए जो मुसलमानों ने जो कुचक्र चला उसका कुछ लोगों ने कांग्रेस ने विशेष पक्ष किया, ये भी अनुचित है। लेकिन अब पुरातत्वेत्ता के अंतर्गत आता है, शान धरोहर है, चाहे धार्मिक कोई भी स्थान हो, चाहे कोई कैसा भी, तो प्राचीन जितने भी स्थल हैं देश में वो सब किसी राजनीति से कोई संबंधित नहीं होना चाहिए उनको। क्या लगता है ये जो ताजमहल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है, तो क्या केंद्र सरकार उदासीन है ताजमहल को लेकर? जी देखा, और देखभाल के लिए बहुत बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे इस तरीके के प्रश्न ना उठे, जिससे ताजमहल को पूरी दुनिया से लोग, पूरे वर्ल्ड से लोग देखने आते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है भारतवर्ष के लिए। ताजमहल का नाम तेज अभी तक तो कभी नहीं आया, मुझे लगता है कि 60 से 70 सालों में ऐसा कोई विषय नहीं रहा कि ताजमहल का नाम बदला जाए। परंतु अगर इस तरीके का कोई छेड़छाड़ नाम से करी जाती है तो उचित नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ आज ताजमहल को ताजमहल के नाम से ही जानती है। ताजमहल एक ऐतिहासिक धरोहर है। ताजमहल एक ऐसा एक प्रतिबिंब है जिसको लोग देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसी चीज़ों पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। चूँकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो कुछ राजनीतिक पार्टियां इस तरीके के उन्माद फैलाकर वोट की राजनीतिक क्षणिक समय के लिए करेंगी और चुनाव खत्म होते ही उसके बाद कोई इस विषय पर चर्चा नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। और हो सकता है कि आगे समय आएगा तो पूरा भारत देश देखेगा। जिस तरीके की राजनीति चल रही है ताजमहल के लिए, हरियाणा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि अगर सुरक्षा नहीं हो सकती तो उसको बंद कर दो, तो क्या लगता है ताजमहल को बंद करना चाहिए? नहीं, बंद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उसकी सुरक्षा कैसे करनी है। हमें आदमी ताजमहल को लेके बहुत मतलब उत्साहित रहता है उसके बारे में जानने के लिए, और वो हमारे यहाँ इंडिया का अजूबा है और वो धरोहर है हमारे यहाँ की, विदेशों से भी लोग आते हैं उसको देखने, और जिस नाम से भी जाना जा रहा है मेरे अकॉर्डिंग उसको उसी नाम से ही जाना जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये धरोहर है हमारे देश की। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बस वही नहीं होना चाहिए, वो गलत है, इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं है। देखिए, जो हमारी वेद वेदांत में जो पद्धति हमारी कहती है कि ताजमहल एक हमारे भारत की संस्कृति की धरोहर है, इसमें छेड़खानी करना यह उचित नहीं है। लेकिन हमारा वेद ये कहता है कि जो वहाँ से हमारी जो सोच है, जो आस्था है, वो आस्था क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि हमारी शिवलिंग की प्रतिमा उसमें विराजमान है। और यह एकदम सत्यता है,
यह हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यह हमारे भारत की एक धरोहर है। इसमें हमारे देश की एक परिकल्पित चीज़ है जो कि लोग दर्शनार्थी जाते हैं, उसमें दर्शन करने के बाद जब वापस पुनः आते हैं तो उनके मुख से यही निकलता है कि वाह हमारे जो संस्कृति की एक ये धरोहर है, इसमें जो शिवलिंग है उसमें बड़ी शक्तियां हैं, बड़ी आस्था हैं कि जो कि आज ये आगरा क्षेत्र जो महल करने की बात चल रही है। जी देखिए ताज, और आपने सुना कानपुर की आवाज बिल्कुल अलग और तेवर के साथ में। एक दर्शक ने तो साफ साफ कह दिया कि अरे ये चुनाव के कारण क्षणिक राजनीति हो रही है और जरा चुनाव हो जाने दीजिए सब खत्म हो जाएगा कि तेजो महल है कि ताजमहल है। और सारे लोगों ने ये जरूर मान लिया कि ये देखो हिंदू मुस्लिम की इसमें बात नहीं होनी चाहिए, ये धरोहर है और इसका सम्मान होना चाहिए, इसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन हमारे कुछ दो दर्शकों ने ये कहा कि अगर इसका नाम तेजो महल हो जाए तो ठीक है। लेकिन दो दर्शक ऐसे भी मिले जिन्होंने साफ साफ कहा तेजो महल है, इसके गर्भगृह में शिवालय है, शिवालय है, और उन्होंने अपनी परिकल्पना भी की। लेकिन कुल मिलाकर के बात यही आई है कि ताजमहल का संरक्षण होना चाहिए, ताजमहल को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताजमहल को प्रदूषण से बचाना चाहिए, उसकी चमक पे कोई धब्बा ना लग पाए, एक तिनका भी नहीं बैठ पाए, इसके पूरे प्रयास होने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसका अक्षर सा पालन होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार।